इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तुए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे तुए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला सिमर नाम जीवा तन मन हो चरण कमल तेरे तुए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे तुए पीवा मेरे सतगुरु दीन पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करण हारा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करण चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलहारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तुए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे तुए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला।
तुद पावे नाम जपावे सुख तेरा दिता सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे होए तेरे निहा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे सिमर 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 नाम जीवा तन मन हो निहाला चरण कमल तेरे तुए तुए पिवा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे तुए तुए पिवा मेरे सतगुर मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तुम आपे शरदा लाए तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तुम आपे शरदा लाए सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तुए तुए पिवा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे तुए तुए पिवा मेरे सतगुर कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुम रे द्वारे नानक को प्रभु पै कृपाला सतगुरु पूरा पाया नानक को प्रभु पै कृपाला सतगुरु पूरा पाया सिमर सिमर
सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे पुर पिया मेरे सतगुरु दीन दयाला, चरण कमल तेरे पुर पिया मेरे सतगुरु दीन दयाला, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन हो निहाला, चरण कमल तेरे तुरे तुरे पिया मेरे सतगुरु दीन दयाला, चरण कमल तेरे तुरे तुरे पिया मेरे सतगुरु दीन दयाला, मेरे सतगुरु दीन दयाला, मेरे सतगुरु दीन दयाला, वाहे कृपा तारी, परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग कडेरा बन्ना, अनंत करे नर नारी, अनंत करे नर नारी, घर घर प्रभ कृपा तारी, गुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, गुर की वाणी मिटाई, द्याल पुरख मेरवान।
सगली चिंत मिटाई। जाल पुरख मेरवाना वर नानक साच बखाना, पुरखी वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जाल पुरख मेरवाना जाल पुरख मेरवाना वर नानक साच बखाना, पुरखी वाणी आई तिन सगली चिंत। कली काल के मिटे क्लेशा, एको नाम मन में परवेश। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उधरे हर गुर सरनाई। गुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, चिंत मिटाई। गुर की
वाहिगुरु। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। ए हीरियां तो भी महंगे तेरे श्वास, बिना नाम जपन दे, बिना सिमरन सेवा करन दे, एवे व्यर्थ जा रहे हैं। ए कदे मुड़ के मिलनगे? आख्या किसे भी कीमत तो नहीं मिलनगे। और जेहो जे कोई कर्म कर रहा है, ओ उसनु भुगतने ही पैंदे हैं। पर बाबा कबीर जी जो श्रोमणी भगतां विचों भगत होए हन, भगत कबीर जी कह रहे हन, सब कुछ करदियां होया भी, नाम जपदियां, सेवा करदियां, सिमरन करदियां भी, आप उस मालिक कोलों डर के कह रहे हन, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, पता नहीं जो कुछ मैं कर रहा तेरे दर ते परवान होवे ना होवे, इसलिए अपने कर्म की गत, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, बाबा रे, बाबा रे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा रे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, बाबा रे, बाबा रे। पशु मरे दस काज सवारे, बिना नाम तो मनुख मर जाए किसे काम नहीं आउंदा, और पशु मर जाए उदियां हड्डियां भी काम आउनगियां, उदा मांस भी कई जानवरां दी खुराक बनेगा, कितना काम आउंदा है, उदे चमड़े दे जोड़े बनते हैं, कई समान बनते हैं। है मनुख जे तो मनुछा जन्म प्राप्त करके नाम नहीं जपया, सेवा नहीं कीती, कोई परपकार नहीं कीता, ता तेरे नालों ता पशु चंगा है, जेड़ा जीवदिया ता घा खा के आ गऊ आदक घा खा के दुध देंदिया हन, ते तू की दिता संसार, छत्ती पदार्थ खा के भी जे तू शुकराना नहीं कीता, ता उना पशुआ तो माड़ा है तू। नर मरे नर काम ना आवे, पशु मरे
दस काज सवारे नरु मरे नर काम नावे पशु मरे दस काज सवारे पशु मरे दस काज सवारे कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला केस जले जैसे घास का पूला कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू बाबा रे केस जले जैसे घास का पूला हाड़ जरे ज्यों लाकुरी केस जरे ज्यों कास एह जग जरता देख के एह जग जरता देख के भय कबीर उदास मैं जानिया दुख मुझको दुख सभाया जग ऊंचे चढ़ के वेखिया घर घर एहो अग हाट जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला उपजे निपज समाई नैनो देखत एह जग जाई एनी लोयनी देख दिया केती चल गई एनी लोनी देख दिया हो केती चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई
मैं अपनी पई। फाट जवे जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। उपजै निपजै निपज समाई, नैनो देखत ए जग जाई। इना अखां दे वेखदियां वेखदियां कितने चल गए, पर ए मनुख तू अजे भी नहीं समझिया कि मैं भी चले जाना। तू ही तो उसे ही क्यू विच खड़ो, तैं पता नहीं कल किदी वारी आवेगी। एनी लोइनी देखदियां केती चल गई, कितने ही चले गए। एक बिनस है एक अस्थिर माने, अचरज लख्यो ना जाई। कैसियां कल युग ने साडियां अखां बंद कर रखियां हन, के अनेकां मृतक शरीरां नूं शमशान भूमका जाके अगन पेट कर आए हां। पर साडे मन ने अजे भी मौत नूं चेते नहीं कीता, असी जानदियां के असी सदा लई बैठे रवांगे। हजूर कहंदे ने एक दिन चलना पवेगा, ए तन जाएगो कबीर, ए तन जाएगो सको तो लेहो बहोर। नांगे पाओ ते गए जिनके लाख करो, जेड़े करोड़ा अरबा पति राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह सन, वो भी नंगे पैर चले गए। वो भी कुछ ना ले जान लगे, कुछ ना ले जा सके। एक वड्डा शाहूकार शरीर त्याग गया, ते घर वाले जदों अगन पेट करन लगे ना, ते उना दी निगाह पै गई उदे लक दे नाल सोने दी जंजीर बनी होई सी। क्योंकि वड्डे लोग जो होंदे सन ना, ओ लक दे नाल सोने दी जंजीर बन के रखदे सन। ते घर वालियां दी जदों निगाह पै गई ना उस जंजीर ते झट ओ जंजीर खिंच लई, बई बाबा ए किधर लै चले हैं बई। कबीर जी ए नजारा देख रहे सन ता आप कहंदे हन, कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। कौडी कौडी जोड़ के कितना कुछ जोड़िया, पर जांदी वेरी ओ चैनी भी उन्होंने खिंच ली घर वालिया ने। इसलिए भाई बिना सिमरन तो बिना नाम तो बिना नितनेम तो तेरे नाल कुछ नहीं जान वाला। ए शरीर है ए ता हार्ड जले जैसे लकड़ी का तूला, जिस तरह लकड़ा बलदिया ना हड इस तरह जल जानगे तेरे शरीर, स्वाह हो जाएगा। दस नाल की ले जाएगा, कुछ जाने नाल तेरे नाम जाएगा। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास कपूला। कहत कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। जम का डंड मूंड में लागे, कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। मैं क्या जानू बाबा रे।
चंदन मर्दन अंगा सो तन जले काठ के संगा। जो कुछ भी मनुख करदा अपने शरीर लई करदा, जे चंगियां खुराकां खादियां छत्ती प्रकार दे भोजन होर कई खुराकां कई कुश्ते, जो कुछ भी तैं अज तक खादा अपने शरीर नू पालन लई। चंगे तो चंगे वस्त्र पहने तां शरीर लई पहने, चंगियां तो चंगियां सुगंधियां लाईयां इस शरीर नू, ते फिर आराम भी कीता तां शरीर लई कीता है। मनुख कदे तू अपनी आत्मा नू भी खुराक दिती है, जिस आत्मा दे सदके तेरा शरीर चल रहा है, जिधर जाने लोकी तैनू नमस्कारां करदे हन अदब करदे हन सत्कार करदे हन, ए किदी कृपा है। ए जितने तक उसकी ज्योति मौजूद है तां तेरा सत्कार हो रहा है, प्यार हो रहा है। ते जदों ओ ज्योति शरीर तो वख हो जाएगी इस शरीर नू अगन भेंट कर दिता जाएगा। इसलिए जो कुछ भी तू कीता शरीर लई कीता दस केड़े काम आया। तू आत्मा नू कदे कीर्तन दा भोजन नहीं दिता, कदे सत संगत दी सुगंधी नहीं लाई, कदी गुरु दी कृपा दे इस आत्मा नू वस्त्र नहीं पहनाए। दस तू आयो केड़े काम, तेरा आना किस काम होया। शरीर दी पालना ता सारी प्रकृति कर रही है, तियां पुत्र भी सारी प्रकृति पैदा कर रही है, अपने अपने वेतन सार घर बार सारी प्रकृति ने बनाए हन। तेरे विच ता वादा ए सी कि तू सास ग्रास भक्ति करके नाम दी पूंजी नाम दा धन तेरे कोल आउंदा। इसलिए महाराज कहंदे ने इस शरीर ने ता भाई किसे काम नहीं आउणा। हाड जले जैसे लकड़ी का टुकड़ा, केस जले जैसे घास का पूला, हाथ जले जैसे लकड़ी का टुकड़ा, केस जले जैसे घास का पूला, कहत कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे, जम का दंड मूंड में लागे, कर्म की गत मैं क्या जानू वाबारे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, 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 क्या जाना किब मरेंगे कैसा मरना होए, क्या जाना किव मरेंगे किसे नू पता नहीं कदों मरना है, किथे मरना है और मरण दा कारण की बनेगा ये किसे नू पता नहीं। रावण वर्गियां नू पता नहीं लग सकिया जिन्ना ने काल नू अपनी चार पाई नाल बन के रखिया होया सी, कहंदा सी मैं काल नू मार लवांगा, पर आखर काल ने मार लिया। रखिया दे प्रबंध कितने कर रखे सी रावण वर्गियां ने, लंका सा कोट समुंदर सी खाही, समुंदर वर्गी डूंगी खाई ते उदे विच उसने अपना कोट किला उसारिया होया सी, बई कोई आके सर ना कर सके मार ना सके,
पर अंत समा जदों आउंदा है ना, ये काल झपट मारी जांदा है। ये तां काल बियाल ज्यो परयो डोलै मुख पसारे उम्मीद, ये मुख खोली फिरदा हर मनुख दे पिछे, भई जदों स्वासां दी पूंजी समाप्त होवे ते मेरी तां इको ही ग्राई है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। काल बियाल ज्यो परयो डोलै मुख पसारे उम्मीद, आज काल फुन तोहे ग्रस है, इको ही ग्रास बनेगा। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत, ते फिर बेनती की महाराज फिर की करिए, ता गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हन, कहे नानक राम भजले जात अवसर बीत, अवसर बीतदा जा रहा तेरा, क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए, ये किसे नु पता नहीं, कदों मरना है किथे मरना है किवे मरना है, क्योंकि नर चाहत कछ औरें की औरें भई, चितवत रहो ठगोर नानक फांसी गल परी। जदों समा आ जाना है ना, ता फिर काल रूपी फांसी पै ही जानी है, गले विच जाना ही पवेगा। एक रब दे प्यारे गुरु के लाल, गुरु के सिख रहंदे सन दो भरा, एक मनुख उना दे पास आया, भई मैं सुनिया तुसी बड़ी रब दी रजा विच रहन वाले हो, उस दे हुकम नू सिर मथे मनदे हो, पर मैं किवें मन्ना कि तुसी वाकया ही रब दी रजा विच रहन वाले हो। आके ठहरिया गुरु के सिख ने बड़ी सेवा कीती, कुछ बानू दर्द होई, कहन लगा महाराज कृपा करो थोड़ी अग बाल दियो ते मैं सेक लवां, क्योंकि सर्दियां दे दिन हन। ओ गुरु का सिख कहन लगा, सवेरे मेरी दुकान नू अग लगनी है, जितनी मर्जी है सेक लवी, हुण आराम कर, क्योंकि अमृत वेला एवें ना चला जाए। जेड़ा रात नूं आराम नाल सवेगा अमृत वेले ओही उठ सकदा है ना, ते जिन्हें अद्धी रात तक जागना है ओ की उठेगा अमृत वेले। कहन लगे हुण आराम कर लो, सवेरे मेरी दुकान नूं अग लगेगी ते तुसी अग सेक लेना, जितनी मर्जी सेक लेना अग। हैरान हो गया भई कह की रहे। दिन चढ़िया उसे वेले सुनिया आ गया, भई तुहाडी दुकान नू अग लग गई है। बजैजी दी दुकान सी, सब कपड़े जल गए। ये प्रेमी कहन लगा, लै भई हुण जितनी मर्जी है बांह सेक लै। वो कहन लगा, अनोखा जिहा बंदा है, भई जदों तैनू पता है कि रात नू अग लगनी है इस नू, ते अपना बचा कर सकदा सै, क्यों नहीं हो सकता बचा, पता होवे ता। ओ गुरु का लाल कहन लगा, फिर इस गल दा जवाब तू लेना है ता मेरे वड्डे भरा को लगा जा, इथो 20 मील दूर है। ओ वड्डे भाई कोल जा रहा, जो जल पानी दी सेवा सी उसने कीती, ते कुछ पुछना चाहुंदा सी, भाई ये किवें हो सकदा, पता होवे भाई ये मुसीबत आने वाली है, ते बंदा बचा ही ना सोचे अपना, मैं तो नहीं मनता इस गल, क्योंकि जेड़ा बचाओ करता है अपना वो बच ही जांदा है। ए कादा पाना मनना होया। वो कहन लगा, रुक जा, मेरे परिवार ने जाना है नदियों पार, ते मैं उना नू विदा कर लवां, ते फिर मैं तैनू दसांगा इस गल दा जवाब फिर देवांगा। साथ संगत बोलो श्री वाहिगुरु। फिर देवांगा जवाब। जदों परिवार ने बस्तर वगैरा पहन ले, तैयारी हो गई, कोई रिश्तेदार सन उना दे दरियाओं पार रहंदे सन, उना दे घर विवाह सी,
उधर जा रहे सन। ते ए गुरु का सिख उस मुसाफिर नू कहन लगा भाई मैं इन्हां नू छड्डावां क्योंकि भरिया होया बेड़ा जदों दरिया दे विचकार जाना है तां ए सारा बेड़ा डुब जाना है और फिर मैं तेरे नाल गल करदा उचारण करो श्री ते जदों दरिया ते ठेलिया बेड़े नू कितों कितों सारे लोग आए हुए सन सफर करने वाले ते जदों दरिया दे विचकार गया तो सारा ही बेड़ा बह गया पानी दे विच सारियां दी मौत हो गई ते ओ मुसाफर कहन लगा महाराज ए मैनू तो कोई समझ नहीं आई तुहाडी ए किहो जिहा पाना है जद तुहानू पता है कि बेड़ा डुब जाना है ते फिर भी तुसी अपने परिवार नू बिठा दिता है क्योंकि महाराज कहंदे ने अपने प्यारियां नू क्योंकि प्यारियां दा जीवन ही ऐसा होंदा है साबर अंदर साबरी तन एवें जलेन होन नजदीक खुदाए दे पर पेत ना किसे देन ओ सब कुछ वेखदे हन पता होंदा है पर उदे कम विच कदी ओ दखल नहीं देंदे रब दे प्यारे रब दे प्यारे कदे नहीं दखल देंदे उदे रजा विच जो उसकी रजा है ओदे विच राजी रहन वाले होंदे हन ओही सेवक है ते कैसी आग्या कीनी ठाकुर तिस ते मुख नहीं मोरियो सहज आनंद रखियो ग्रह पीतर उठ उहां को दौड़ियो ते जदों ओ बेड़ा डुब गया ते ए गुरु का सिख कहंदा आ भाई हुण दस की पुछना चाहुंदा है कहंदा जी मैं की पुछना तुहानू उन्हूं पता सी भाई दुकान नू अग लगनी है उसने नहीं बचाया कुछ अपना तुहानू पता सी अज तुहाडा सारा परिवार डुब जाना है तुसी नहीं बचाया ए कादा पाणा होया ए कादा हुक्म होया एदा की सबूत है कि ओदा हुक्म सी तां ओ गुरु का सिख कहन लगा भाई गुरमुखा भाई ओ टाली तैनू नजर आ रही है एक दरखत वखरा जिहा कहंदा जी आ रहा है कहन लगे अज तों सत दिन बाद तू इत्थे आके सूली चढ़ना फांसी चढ़ाया जाना ते तू अपना बचा कर ले जितना कर सकना प्यारी सात संगत जी अपना बचा करदा करदा सिर पट घोड़ा दौड़ाया सतवें दिन उत्थे ही पहुंच गया उत्थे पहुंच के इनू पता कोई नहीं कि मैं अपनी मौत दे मुंह में आ गया जिथे जाना एक सुंदर स्त्री बैठी है ओ उठी ते कहन लगी मैं तेरे नाल विवाह कराउना ते पर इस तो पहला कुछ शक लईए आ मुंदरा ले जा कोई खान पीन दी चीज लिया खाइए ते फिर मैं तेरे नाल चलांगी ता मन विच सोचा भई ये ते कमाल हो गई है सिख कहंदा सी मौत आवेगी पर ये ता सुंदर स्त्री आ गई है जां बाजार गया मुंदरा विखाया दुकानदार समझ गया ये चोरी दा है शहर विच टंडोरा फिरिया होया सी के राजे दी चोरी हुई है ते राजे ने एक नहीं दो नहीं जदों सिपाहियां ने इनू पकड़िया राजे ने आख्या जाओ इसनू सूली चढ़ा दियो ते ओसे ही ताली दे कोल आके खड़ो गया इंतजार करन लगा मौत दी ते जलाद पुछदियां कोई आखरी ख्वाहिश कहन लगा ओ गुरु के सिख दी कुली है मैं ओदे नाल गल करनी चाहुना सिख नू बुलाया गया कहन लगा गुरमुखा तेरे होर तां सारे बचन ही सिद्ध हन सत निकले हन पर ए दस जेड़ी कहंदी सी औरत बीबी कि मैं तेरे नाल विवाह कराउना ओ कौन सी तां गुरु का सिख कहन लगा जिंद वहोटी मरन वर ले जासी परनाए ओ तैन कहंदी सी ना मैं तेरे नाल परनी ना ओ तेरी मौत सी तो इसलिए प्यारी सात संगत जी पता कोई नहीं होंदा अखीरला स्वास कदों आउणा है इस तो पहला पहला आपां जप के अपना जीवन सफला कर लईए इसलिए महाराज कहंदे हन अपने कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू बाबा रे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू
बाबा रे बाबा कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
जय गुरु जी की।